किसी ने बनिया को टिकट दिया, तो किसी ने कुशवाहा को, तो किसी ने भूमिहार को अपना उम्मीदवार बना दिया। मुसलमान भी मैदान में कूद पड़े हैं। खैर, सभी उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन सबको भरोसा अपनी पार्टी से ज़्यादा जाति से है। अब किस जाति की कैसी हैसियत, इसी से कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा प्रभावित होगा। कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी बड़ी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। महागठबंधन कोटे से जदयू मैदान में है, प्रत्याशी हैं मनोज कुशवाहा, 2010 में कुढ़न्नी से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने केदार प्रसाद गुप्ता पर भरोसा जताया है, 2015 में ये भी विधायक रह चुके हैं। विकासशील इंसाफ पार्टी ने नीलाभ कुमार को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। भूमिहार जाति से हैं, इनके दादा साधु शरण शाही कुढ़न्नी क्षेत्र से कई टर्म विधायक रह चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी पर भरोसा जताया है। आने वाले दिनों में सभी पार्टियों के बड़े नेता मतदाताओं के चौखट पर दस्तक देंगे। पहला टारगेट संबंधित उम्मीदवारों की जातियां होंगी, इसके बाद अन्य जातियों पर फोकस किया जाएगा। फिलहाल पलड़ा किसका भारी है कहा नहीं जा सकता। जातियों का कितना ध्रुवीकरण होता है अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अगर जातियों का ध्रुवीकरण हो गया तो हर पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। वैसी जातियां जिनसे उम्मीदवार नहीं है उनकी पूछ ऐसे भी कुढ़न्नी में बढ़ने वाली है। अब ये भी जान लीजिए कि कुढ़न्नी में किस जाति की कितने मतदाता हैं। कुढ़न्नी में करीब 3,10,000 मतदाता हैं। कहा जाता है कि सबसे अधिक करीब 55,000 भूमिहार है, उसके बाद कुशवाहा जाति का नंबर आता है। उनके वोटरों की संख्या भी करीब 40,000 मानी जाती है। तीसरे नंबर पर वैश्य समाज है, जिनके वोटरों की संख्या भी करीब 33,000 के आसपास है। इसके अलावा 25,000 मतदाताओं के साथ सहनी समाज चौथे नंबर पर है। यादव मतदाताओं की संख्या भी यहाँ करीब 20,000 मानी जाती है। राजपूत करीब 15,000 है। इसके अलावा यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाताओं की संख्या लगभग 19% है। मुसलमान वोटरों की संख्या लगभग 22,000 के आसपास है। अभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मतदाताओं ने कोई खास मन नहीं बनाया है, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि किस जाति के वोटर किस पार्टी की ओर जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब जाति कार्ड खेला जाएगा तो मतदाता इधर से उधर हो सकते हैं। हालांकि सभी जातियां यहां अपना वर्चस्व चाहती है, इसके लिए उनकी जाति के विधायक हो तो सोने पर सुहागा। बता दें कि कुढ़न्नी विधानसभा सीट से 1990 तक लगातार अग्री जातियों का कब्जा रहा, लगभग भूमिहारों का ही इस सीट पर कब्जा रहा है। 1990 में आखिरी बार साधु शरण शाही यहां से विधायक बने। इस बार उनके पोते नीलाभ कुमार BIP के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीलाभ पहले राजद से टिकट के दावेदार थे, वहां से निराशा मिली तो BIP के नाव पर उस सवार हो गए हैं। बता दें कि साधु शरण शाही कुढ़न्नी से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 1995 में भूमिहार जाति के बाहुबली अशोक सम्राट निर्दलीय चुनाव लड़े थे और लालू की पार्टी के 52 भगत जो कि कोयरी जाति के थे उनसे हारे थे। 2000 में NDA ने ब्रजेश ठाकुर को उतारा था जो BPPA के उम्मीदवार थे। ब्रजेश ठाकुर बालकागिरी कांड में जेल में बंद है। 2005 से 15 तक मनोज कुशवाहा JDU के विधायक रहे। वहीं 2015 में केदार प्रसाद गुप्ता BJP से जीते। 2020 में अनिल सहनी RJD के टिकट पर महज 712 वोट से विजयी हुए थे। अब देखना होगा कि इस बार किस जाति के उम्मीदवार की किस्मत कुढ़न्नी में चमकती है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।